तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30, आई गेस 10 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। तो एट लास्ट हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली। सामान वगैरह एक्चुअली पैक हो चुका है, इस बार सामान बहुत कम कैरी कर रहा हूँ। ये टेली बैग, ये लैपटॉप का बैग, और वो तो टेंट बैग, बस इतना ही। और गोप्रो के बारे में आप लोग बोल रहे थे कि व्यू सही नहीं आ रहा है, जो रास्ता है वो ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, किसी का तो कमेंट ऐसा था। अब आप काउंटिंग माइल्स नहीं रहे क्योंकि रास्ता तो दिख भी नहीं रहा तो इसलिए मैंने उसका एक सॉल्यूशन बनाया। गोप्रो को मैंने चेंज कर दिया पोजीशन, मतलब पहले जो मेरा गोप्रो था ये उल्टा करके लगाता था, तो अभी गोप्रो को सीधा करके लगा रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट में बताओ कि आज का जो वीडियो का जो व्यू होगा सही है कि गलत है। तो सर जी, गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आज का दिन बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, जैसा अमित भाई और अजय भाई बताया। आज शायद 110 किलोमीटर का राइड है, 110 किलोमीटर, जिसमें से 65 किलोमीटर प्योर ऑफ रोडिंग है। इस बार आपको मेरा हेल्प करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, हो सकता है मैं भी, क्या पता उल्टा हो जाए, मेरा ही धक्का लगा। सो अभी सामान वगैरह नीचे ला ही रहा था मैं, और यहाँ पे एक फैमिली मिले जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे और दो सब्सक्राइबर मिले, ये एक्चुअली तमिलनाडु से है, लोकेश, पृथ्वी है। तो ये तो जा रहे बारालाचा पास, फिर वहां से वापस आ जाएंगे। सो भाई आज बाइक पे सामान कुछ भी नहीं है, जितना सारा सामान है ये कार पे डाल दिया हम लोगों ने। और हमारे साथ एक्चुअली अजय भाई जाएंगे और ये विशाल भाई ऑल्टो लेके जा रहे हैं। ऑल्टो चढ़ जाएगा ना भैया तो सेडल बैग वगैरह उधर डाल दिया, लैपटॉप भी उधर डाल दिया। तो हम अभी चार लोग जाएंगे और अजय भाई भी साथ में जाएंगे। करीब 7 महीने पहले का प्लान था, हाँ। बाइक से करने वाले थे, हाँ। बट इस बार थोड़ा रेडी नहीं हूँ मैं, तो उसी हिसाब से गाड़ी ठीक है, सही है, सही है। फिर नेक्स्ट टाइम कभी, एकदम एकदम। और इधर इन दोनों के साथ तो लास्ट ब्लॉक में आप मिल चुके हो, और ये हर्षित भाई आज मिले पहली बार, अच्छा लगा मिलके, बहुत बड़े मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, और आगे राइड जरूर। चलो बाय 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 बाय, एकदम थैंक यू, बाय 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 बाय, निकलते हैं, थैंक यू बाय। सो ये मेरे सामने देख रहे हो मनाली के खूबसूरत पहाड़। आज हम लोग जाने वाले हैं चंद्रताल लेक, और वहाँ पे जाके कैंपिंग करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और सुनने में आया है कि ये जो रास्ता मिलेगा आज बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलने वाला है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग। तो मज़ा आने वाला है ऑब्वियसली, बहुत दिनों बाद मुझे ऑफ रोडिंग करने का मौका मिलेगा, और बाइक तो बदल गया मेरा तो इसलिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रास्ते में थोड़ी देर बाद हम लोगों को मिलने वाला है रोहतांग टनल, मतलब जिसको अटल टनल भी बोलते हैं। वैसे रोहतांग पास होकर नहीं जाएंगे, और रोहतांग पास वैसे मनाली से 55 किलोमीटर दूर है। हम लोगों का निकलते निकलते लेट हो गया, प्लान किया था सुबह 9 बजे निकलेंगे, तो अभी 11 बज रहा है भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो गया निकलते निकलते। सो पेट्रोल का सीन ये है कि दो पेट्रोल पम्प है, एक में पेट्रोल नहीं है और दूसरा में इतना भीड़ है ना, अभी अगर हम लोग रुकते हैं पेट्रोल भरने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। तो इसलिए सोचे कि बिना पेट्रोल का आगे बढ़ते हैं। बिना पेट्रोल का मतलब बाइक में ऑलरेडी पेट्रोल है, एक डंडा कम है बस मेरा, तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि यह बाइक कितना माइलेज देता है, तो थोड़ा सा तो डाउट है। फिर भी निकल गए हम लोग, क्योंकि आज उधर पहुंचना ही है चंद्रताल लेक। कल भरवा देना चाहिए था, लेकिन क्या करें, कल याद ही नहीं था। अभी तो बहुत बढ़िया रोड देख रहे हो, थोड़ी देर बाद इसी ब्लॉग में शायद एकदम हालत ख़राब वाला रोड देखोगे। हर काम देश के नाम, वाह बीआरओ। तो हम लोग रुके अटल टनल के बाहर, मेन गेट जो अटल टनल का वहाँ पे, यहाँ पे दो चार फोटो क्लिक किए, बस अभी निकल जाएंगे और उस पर जाके फिर से रुकेंगे। चलो यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रहा है, चलते सर, थैंक यू। बाइक वालों को उतना परेशान नहीं करते। वैसे यहाँ पे क्या है ना कि आप कैरी नहीं कर सकते ये टनल के अंदर, या फिर गैस स्टोव वगैरह, सिलेंडर वगैरह वो सब आप कैरी नहीं कर सकते, इसका वजह से यहाँ पे चेकिंग होता है, और बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग होता है। ये है अटल टनल का गेट नहीं, मतलब अटल टनल का एंट्रेंस, फिर से अटल टनल। जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं बाइक का जो स्पीड है वो रखना पड़ता है 40। वैसे तो देखा जाए तो एक नॉर्मल टनल है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अटल टनल जो है इसको रोहतांग टनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो टनल है ये रोहतांग पास को बाईपास करता है।
ओके चलो अभी 60 किलोमीटर पर आवर पे हम लोग जा सकते हैं। तो विंटर में क्या होता है, रोहतांग पास बर्फ़ के वजह से पूरा बंद हो जाता है और उसका वजह से मनाली साइड का लोग लाहौल स्पीति में या फिर स्पीति से इधर आ नहीं पाते थे। विंटर में कनेक्टिविटी पूरा बंद हो जाता था। तो ये टनल खोलने के बाद अभी लोग ट्रेवल कर पा रहे पूरे साल। और ये टनल बनने के बाद लेह मनाली हाईवे का 46 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया है। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी एग्जिट है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट साइड में जहाँ पे लिखा हुआ है कि इमरजेंसी एग्जिट और कितना मीटर दूर है। जैसे ये सामने वाला बोर्ड पे लिखा हुआ है इमरजेंसी एग्जिट 150 मीटर दूर है। और इमरजेंसी टेलीफोन सर्विस भी है, BSNL का 4G नेटवर्क काम करता है ये टनल के अंदर। तो बहुत हाईटेक टनल है ये। और ये टनल वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है जो 10,000 किलोमीटर के ऊपर बना है। अटल टनल का जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 9 किलोमीटर जैसा है। और यहाँ पे जैसे बोलते हैं स्पीड लिमिट मेंटेन करना 60 किलोमीटर पर आवर का, ऑलमोस्ट सब लोग स्पीड लिमिट मेंटेन कर रहे हैं ये बाइक के अलावा। इधर तो पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इधर। तो ये रहा अटल टनल का एग्ज़िट। इतना भीड़ है ना, यहाँ पे खड़ा होके फोटो खींचने का जगह नहीं है। लास्ट टाइम जब आया था मैं इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। तो सामने एक सुंदर सा ब्रिज है, ये ब्रिज का नाम चंद्रा ब्रिज, क्योंकि इसके नीचे से जो रिवर जा रहा है ना, मतलब जिस रिवर पे ये ब्रिज बना है वो रिवर का नाम है चंद्रा रिवर। आपको थोड़ा अच्छा ठीक है, सही है सही है। थैंक यू। इनको कहीं पे तो देखा था, आपको कहीं देखा है? अच्छा रुको रुको, हेलो हाय, सेम हियर। क्या नाम है सर आपका? काउंटिंग माइल्स, अमित सिन्हा। अरे काउंटिंग माइल्स, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। हेलो। अभी आने से पहले एक्चुअली मेरी जो आइटनरी थी तो उसमें आई सर्च फॉर द प्लेस, शिंकुला जा रहा था। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा था। चलिए बाय बाय बाय, सेम हियर बाय। सो अभी ये जगह से दो रास्ते, एक है राइट एक है लेफ्ट। हम लोग को जाना है राइट की तरफ, और लेफ्ट जाने से हम पहुंच जाएंगे ले और राइट जाने से स्पीति। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट है। और मुझे अभी स्नो पिक्ड माउंटेन्स का दर्शन हो गया है। क्या सर? पर्ची? ये क्या का पर्ची? स्पीति चंद्रताल 50 रुपये, दो का काट लीजिए। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दूर जो पहाड़ देख रहे हो ना, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर स्नो है और उसके ऊपर क्लाउड्स है और उसके ऊपर ब्लू स्काई। ये जो रोड है ना, इधर से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, और सॉरी फर्स्ट टाइम नहीं, जब मैं पहली बार लद्दाख गया था उस टाइम रोहतांग पास होके गया था, और रोहतांग पास से जब ले जाते थे हम लोग तो इसी रोड से जाते थे। तो अटल टनल का बनने के बाद तो ये रोड का यूज़ बहुत कम हो गया है। तो अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है कोकसर, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। बगल में जो रिवर देख रहे हो ये है चंद्रा रिवर, और इसी रिवर का सोर्स में हम लोग जा रहे हैं आज, चंद्रताल लेक। सो ये हम पहुंच गए कोकसर। बहुत ही अच्छा यादें जुड़ा हुआ है कोकसर के साथ मेरा। मेरा लाइफ का फर्स्ट कैंपिंग मैंने कोकसर में किया था, और वो भी सोलो कैंपिंग। अभी जो ये लाइन बोलते हुए मुझे अंदर अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काश मैं वो आपको दिखा सकता, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। अभी फिर से 3 साल बाद वही जगह पे पहुंच गए हैं, और पेट्रोल अगर मिल जाए तो वो भर लेंगे, तो मेरा दिमाग से पेट्रोल का टेंशन हट जाएगा। तो कोकसर का जो अल्टीट्यूड है वो है 10,300 फीट। एंट्री वगैरह करवाना होगा शायद। हाँ सर, बाइक पार्क करके आ रहे सर? हाँ एंट्री पार्क करके आ रहे। हाँ, ये जो चेक पोस्ट है यहाँ पे एंट्री करवाना होगा सर। एंट्री बाइक का एंट्री करना है। आप चंद्रताल से हैं? चंद्रताल जाना है 7613। सो यार अभी ऑर्डर किया है खाना, वो खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। रोटी और ये क्या था? जीरा आलू। काफ़ी अच्छा हुआ आलू जीरा, टेस्टी है। अभी से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अपन अभी ग्रामपू से ऑफ रोड स्टार्ट करेंगे जब चंद्रताल के लिए, तो रास्ते में छत्रु करके जगह आती है, वहाँ पर ही आपको जैसे छोटे ढाबे मिल जाते हैं और स्टे के लिए ऑप्शन भी देते हैं। खाना पीना हो गया, 3 रोटी और आलू जीरा। बाय बाय कोकसर। मैंने एक्चुअली कोशिश किया था कि ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन यहाँ पे हवा इतना तेज़ हो गया कि ड्रोन उड़ाना थोड़ा रिस्क था। और आज फर्स्ट टाइम फ्लाई करूँगा ड्रोन को, तो ऑब्वियसली एक टेंशन भी था।
बहुत ही सुंदर व्यू है सामने का, स्नो पिक माउंटेन्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग शायद आज ये चंद्रा रिवर का बगल बगल होके जाने वाले हैं। मेरा लेफ्ट साइड में नीचे है चंद्रा रिवर। बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क, काइंडली मेक अ कॉल टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आज का दिन का पहला वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। ये तो और भी सुंदर है भाई, मस्त मस्त, बहुत सुंदर। ये वाटर क्रॉसिंग का थोड़ा पानी ज़्यादा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम क्रॉस हो जाएंगे। ए घोड़ा भाव नहीं दिया मुझे। अभी क्या है ना कि हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि सर ज़्यादा स्पीड नहीं दे सकते। इतना देर जो चलाया, काफ़ी आगे निकल गया था मैं, तो फिर रुक के वैसे वेट करता हूँ, तो इसलिए सोचे कि धीरे धीरे चलते 18-19 का स्पीड में। और हमारा कार जो है वो आगे निकल गया है। ये देखो कितने सुंदर, एक अलग किस्म के पेड़ है। पेड़ का जो रूट्स है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अलग है। तो यहाँ पे और एक वाटर क्रॉसिंग मिला आज। अभी तक तो 4-5 वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया होगा हम लोगों ने, छोटे छोटे सही, लेकिन वाटर क्रॉसिंग तो है ना। ये रीजन मतलब लद्दाख, स्पीति, कुछ अलग ही नशा है। ठीक है, स्काई कितना सुंदर है, और इधर एक छोटा सा एक वाटरफॉल, पहाड़ के ऊपर से पानी एक्चुअली नीचे जा रहा है, और नीचे जो रिवर है चंद्रा रिवर, वहाँ पे जाके पानी मिल रहा है। और ये जो देख रहे हो ना, ये बर्फ के पत्थर है पानी के दोनों साइड में। तो हमारा गाड़ी आ चुकी है। ये तो रोड पूरा ही वाटर क्रॉसिंग बन रहा है, मतलब पानी और थोड़ा ज्यादा होगा ना तो ये रोड डूब जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, राइट साइड के पहाड़ से पानी आ रहा है। अरे ये देखो, ओ बढ़िया मस्त। और सामने देखो कितने सारे हॉर्सेस रोड के बीचों बीच खड़ा होके कुछ तो सोच रहे लोग, हिल भी नहीं रहे। हॉर्स के साथ ये कभी भी मत करना, जैसे हॉर्स खड़ा है ना तो पीछे जाके आप खड़ा मत हो जाना, वो क्या करेगा, पीछे का दोनों पैर लेकर आपको लात मार देगा। इधर तो पूरा बर्फ है पहाड़ के ऊपर, और बीच में है रोड, और पहाड़ के नीचे भी देखो पूरा एकदम सफ़ेद। बहुत ही सुंदर सा एक जगह में रुके, मजा आ गया। यहाँ से जो व्यू है ना, दोनों साइड में पहाड़ है और बीच में से यह है चंद्रा रिवर। कैसा लग रहा सर? लेके आ गए, लेकिन शुरुआत में मुझे भी लगा था यार एल्टोला की गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इस रोड पे सभी सुमो या अच्छी बड़ी गाड़ियां ही आती है, बाकी एल्टो का टच होने का रहता है ना। लेकिन चलो अब तक यहाँ पहुंचे तो अब आगे भी पहुंचे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था पेट्रोल फुल टैंक करवा नहीं पाया, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पेट्रोल बचाने के लिए बाइक को बंद करके न्यूट्रल में लगा कर चला रहा हूँ मैं। सामने एक जगह आएगा जिसका नाम है छत्रु, और वहाँ पे जाके थोड़ा देर हम लोग रुकने वाले हैं। काफ़ी अच्छा जगह मैंने कवर कर लिया बाइक बंद करके, बहुत सारा पेट्रोल बचा लिया मैंने। आप लोग अगर नए बाइक राइड कर रहे हो तो सजेस्ट तो मैं नहीं करूँगा कि ऐसे न्यूट्रल में लगा के चला के आओ। मुझे एक्चुअली गियर में रख के भी क्लच पकड़ने से होता, लेकिन क्लच पकड़ने का मन नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए छोड़ के आया। बहुत ही धीरे धीरे आया मैं, इसलिए टेंशन नहीं था मेरा। चंद्रा रिवर का पानी जो है ये बहुत ही कलर जो है, ये मतलब मिट्टी का कलर होता है ना, उस टाइप का कलर है। सर बोल रहे हैं, मुझे देख के सर को भी सेटलिंग करने का मन कर रहा है। तो ये हम पहुंच गए छत्रु, और यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबा है। और काजा यहाँ से 120 किलोमीटर जो जहाँ हम कल पहुँचने वाले हैं। तो होता है मनाली से जब हम टपा ट्रैक के लिए निकलते हैं ना, हाँ, तो ट्रैक का एंड इस जगह होता है। अच्छा,
हमारा पानी खत्म हो गया है और यहाँ पे छोटा सा एक चश्मा है, इस चश्मा बोलते हैं ना, हाँ, तो यहाँ से पानी भर जाता है, पानी एकदम सीधा ग्लेशियर से आ रहा है। तो बस यही है छत्रु, और छत्रु का जो हाइट है वो है 11,120 फीट। यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 120, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ 120 लोग, और इधर नेटवर्क वगैरह आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरा पिछला वीडियोस फॉलो नहीं कर रहे हो तो पता नहीं होगा, ये जो बाइक है ये मेरा बाइक नहीं है, ये मेरा एक फ्रेंड का बाइक है, प्रदीप नाम है उसका, और उसका चैनल है PLK व्लॉग्स। तो अगर आपको मन है तो उसका चैनल जाके चेक कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। बाइक में चढ़ना भी एक बड़ा काम है, बाइक को स्टैंड से हटा के सीधा करना भी एक बड़ा काम है। सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है मेरा। इधर रास्ते ऐसा है ना, रास्ता का शेप में बाहर काट के रख दिया और वही रास्ता बन गया। इधर से एक शॉर्टकट है, पानी भी एक्चुअली, तो पानी के ऊपर से जाना चाहेंगे हम। पानी ज़्यादा तो नहीं है, चले जाएगा इधर से, चले जाते हैं, लेट्स गो। ओए ए, ये ज़्यादा सही है, निकल गया, अंदर पूरा घुस गया था मैं। मुझे भी एक टाइम पे आके लगा कि फंस जाऊंगा मैं। आगे बंद, उन्होंने बताया, मैंने पूछा इस टाइम मोड़ना ही सही है, फिर कहाँ आगे गाड़ी लेके जाएंगे। अच्छा, साइड बता रहे हैं आगे बहुत। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। बाइक भी नहीं जाएगा, बाइक भी नहीं जाएगा, बाइक भी नहीं निकलेगा, साइकिल भी नहीं निकलेगा। ठीक है, थैंक यू। लैंडस्लाइड अभी कहाँ पे है क्या पता, इधर तो बहुत पत्थर है, आप धीरे धीरे आओ, मैं जाके उनको रोकता हूँ, है ना। तो हमारी ऑल्टो जो है वो आगे निकल गई है, उसे जाके रोकना होगा। गया है, बहुत हैवी। हाँ, सुना है। ऐसा हो सकता है, गलत भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने छोटी सी कैंप साइट दिख रही है, अभी तो ऑप्शन भी है, एक बार नहीं तो वो उसी जगह है, अगर बाइक से जाके देख के वापस आ सकते हो तो। अच्छा, काउंटिंग माइल्स जहाँ जहाँ, लैंडस्लाइड वहाँ वहाँ। तो इधर फिर से लैंडस्लाइड हो गया है, अभी पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। उधर से एक बाइक आ रहा है, तो उसको पूछेंगे हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी क्या होता है। लैंडस्लाइड हो चुका हुआ है, हाँ, गाड़ी जाएगा नहीं, गाड़ी नहीं जाएगा, आगे से कोई जेसीबी या कोई क्लियर होने तक नहीं जाएगा, बाइक भी नहीं जाएगा, चलती भी नहीं जा। आप लोग कहाँ से आ रहे हो और रिटर्न आ रहे हो? ओ अच्छा अच्छा, काउंटिंग माइल्स जहाँ लैंडस्लाइड वहाँ। मैं ही करवा रहा हूँ सब कुछ, काउंटिंग माइल्स भी करवा रहे हैं, लैंडस्लाइड। हाँ, बस अभी बस ये टेंशन है कि मैं घर पे बोला नहीं, मैं घर पे बताया कि कल नेटवर्क आ जाएगा, तो कल तक अगर हम लोग काजा नहीं पहुँचे या फिर परसों पहुँचे तो परसों हमारा नेटवर्क आएगा, तो उस केस में थोड़ा टेंशन करेंगे। मेरे घर में भी सेम है, मैं भी ज्योति को यही बोल रहा हूँ कि परसों, लेकिन आज कोई अगर मनाली जा रहा है तो वो बोल देंगे घर पे, पर कॉल करके कुछ भी हरकत करने से सांस फूलने लगता है। काउंटिंग माइल्स अब मोटा माइल्स हो गया है। काउंटिंग मोटा। हम लोगों ने यू टर्न ले लिया, तो हम लोगों को लगता नहीं है कि ये जो लैंडस्लाइड हुआ है ये क्लियर हो जाएगा आज। सो अभी डिसाइड हुआ है कि हम लोग जाएंगे छत्रु, और वहाँ पे अभी क्या होगा ना कि सब लोग रिटर्न जा रहा है और सब लोग कोशिश करेंगे कि छत्रु में रुके, तो इसका वजह से होम स्टे नहीं मिलने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। जब तक कोई इधर से जेसीबी जाके रोड क्लियर ना करे तब तक तो ऐसा ही रहेगा। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, कहीं पे घूमने जाना होगा कि नहीं होगा वो भी पता नहीं। जिधर जा रहे हम लोग, जिधर जा रहा हूँ मैं उधर प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये खाली है, मतलब रह सकते हैं ना। देखो अगर मोस्टली भी एम्प्टी है, हम लोग लेंगे कितने, चार टेंट, हम लोग को दो टेंट चाहिए, पीछे आ रहे और चार लोग हैं। या फिर आप वेट कर लो, माय फ्रेंड्स आर एक्चुअली कमिंग। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बात ये है कि मेरा जो ड्रोन है उसका टेस्ट ड्राइव, टेस्ट फ्लाई सक्सेसफुल रहा, हो चुका है। प्लान यहाँ पे टेंट हम लोगों ने बुक कर लिया है, आज यहाँ पे रुकने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे रुके प्रेम ढाबा, और ये है ढाबा, और हमारा जो टेंट है वो इसके पीछे है, तो हम लोग ढाबा में नहीं रुक रहे, टेंट पर रुक रहे हम लोग। और इधर सनसेट देखो, लाइट कितना सुंदर होके आ रहा है सनसेट का, बहुत ही ऑसम। यहाँ पे टोटल चार टेंट है, और चार टेंट में से पहला और आखिरी हमारा टेंट है।
अभी टाइम हो रहा है 9:49, इतना देर बैठ के थोड़ा एडिट कर लिया मैंने इधर ही। ये जगह पे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो भी काम हो रहा है या जनरेटर से हो रहा है, एक दो लाइट्स है बस, और हमारा जो टेंट है वहाँ पे भी कोई लाइट नहीं है। और अच्छा बात यह है कि एक वीडियो एडिट हो चुका है, तो खाना रेडी है हमारा। बहुत देर से ये भैया बुला रहे, प्रेम भैया जय हिंद जय हिंद। तो खाना रेडी है अभी, खाएंगे। दिल वाला बुला रहे हैं, हाँ हाँ, प्रेम दिल वाला बुला रहे हैं। नमस्कार। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप है, दोनों साइड में बैठने का जगह है, इधर टेबल है, और मतलब यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, और अंदर उधर किचन है। तो हमारा खाना आ गया, दाल चावल, ये एक चटनी है, और ये आलू का कुछ करी है, सब्जी है, आलू का सब्जी है। टेस्ट कैसा है भाई? बढ़िया, सिंपल, घर जैसा, घर जैसा। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद, और आराम से खाते हैं, वीडियो बाद में बनाएंगे। खाना पीना हो चुका है, और खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, है ना? आज तक का सबसे अच्छा खाना, बेस्ट खाना। हाँ, एकदम। जितना ज्यादा एडवेंचरस दिन था ना, खाना उतना ही अच्छा था। और जैसे पूरा दिन खराब रास्ते में चला के, या फिर ऑफ रोडिंग बोल सकते हो, वो सब चला के लास्ट में थोड़ा टेंशन हो गया था। मैं तो ऐसा सोचा ना, लैंडस्लाइड हो गया तो अब क्या करेंगे, अब तो स्पीति भी बंद, स्पीति भी कैंसिल, तो किल्लार किस तरह हो गए, कश्मीर चले जाएंगे, ये दिमाग में आया था। तो देखते हैं कल क्या होता है, वो तो कल ही पता चलेगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एक टेंट ले लिया, और टेंट बहुत ही अच्छा टेंट है। हाँ। बाहर का जो ठंडा हवा है वो बिल्कुल घुस नहीं रहा, और ये गद्दा भी एकदम डनलप के गद्दे हैं, बड़े बड़े, और रजाई है, कंबल है, ठंड तो बिल्कुल नहीं लगने वाली। हाँ, मतलब चार मतलब दो रजाई दो कंबल। एक बात बोलना है मेरे को, बोलिए। बोल दो ना, बोलिए, कट तो नहीं करोगे? नहीं, बोलिए। आज मैं पिछले एक दो दिन से अमित भाई के साथ में हूँ, काउंटिंग माइल्स के साथ में। आज समझ में आया कि इनके वीडियोस में इतनी अच्छी क्वालिटी क्यों होती है, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग क्यों होती है। ये एक एक शॉट सोच सोच के, एक एक एंगल सोच सोच के ये लगाते हैं, और मैं, हाँ भाई, मैं ना इतना लकी फील कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ में रह के सारी चीजें सीख रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है। तारीफ नहीं, और आपके वीडियोस डायरेक्ट नेटफ्लिक्स में पब्लिश कर सकते हो आप, नेटफ्लिक्स में। सो इनका अनअकैडमी में कोर्स आता है, हाउ टू ब्लॉग। और उसमें लाइव ट्रेनिंग देने वाले हैं, नाइन क्लासेस होगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन पे, एक बार जाके पेड कोर्स है इनका। और सोचो मैं कितना लकी हूँ कि लाइव मेरे को इनसे सीखने को मिल रहा है, और दिन भर थकने के बावजूद अभी वो यहाँ आके एक वीडियो भी एडिट हो चुका है वो वीडियो। तो ये वीडियो को गाइस इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। कल सुबह सुबह ये जगह का नज़ारा दिखाएंगे, टेंट के बाहर का नज़ारा बहुत ही मस्त है। और एक जो साउंड, पता नहीं कैप्चर हो रहा है कि नहीं, साउंड आ रहा है करके, वो बगल में चंद्रा रिवर बह रही है। रिवर का बहती है बह रही है। हाँ। तो उसका जो साउंड है वो आ रहा है एकदम मस्त, नींद अच्छी आने वाली है। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। राइट सेफ ऑलवेज, वियर हेलमेट, जय जय भारत।